9 न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ गरिमा मकरानी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रदेश में लगभग 45 जिलों में धरना प्रदर्शन ज्ञापन सौंपे गए। एमजीजीएस के बीएलई संघर्ष समिति के द्वारा देवास जिले के सभी बीएलई के द्वारा मुंडुक पुष्कर पर धरना प्रदर्शन करते हुए रैली के रूप में कलेक्टर कार्यालय देवास जिलाधीश महोदय को ज्ञापन सौंपा गया। डिजिटल साक्षरता मिशन को ग्रामीणों तक पहुँचाने का कार्य महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र CSC 2.0 के माध्यम से किया जाना था, जिसके पारिश्रमिक के रूप में एक निश्चित मानदेय देने का आश्वासन शासन व CSC की ओर से दिया गया था, लेकिन आज दिनांक तक मानदेय के रूप में कुछ राशि बीएलई को प्राप्त नहीं हुई। एमजीजीएस के परियोजना में कार्यरत सभी बीआई डीआई और बीएलई का पिछला बकाया सारा वेतन व मानदेय का भुगतान अविलंब कराया जाए। सभी बीएलई को जीवन जीने लायक उचित वेतन व मानदेय लागू किया जाए। शासन द्वारा जन कल्याणकारी योजना का प्रचार प्रसार पंजीयन बीएलई के माध्यम से निःशुल्क करवाना बंद करें। आयुष्मान पंजीयन का सरकारी ड्यूटी आदेश निकाल कर डराना बंद करें। देवास से ओम प्रकाश सेन की रिपोर्ट। बताएं, आज एक ज्ञापन लेकर आप कलेक्टर कार्यालय आए थे, क्या है पूरा मामला? हमने 29 माह से हम बीएलई को मानदेय नहीं मिला है। हमने पंचायत लेवल पे काम किया है, जैसे आयुष्मान कार्ड बनाना, ई श्रम कार्ड, संबल योजना आदि जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार बीएलई के माध्यम से किया जाता है। आज हम कलेक्टर सर को ज्ञापन देने आए थे एक आंदोलन के रूप में, और हमने एक चेतावनी भी दी है कि यदि हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती तो हम चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और भोपाल में जाके एक बड़े पैमाने पर राज्य स्तरीय आंदोलन करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम आशिक शाह है, देवास से हूँ मैं भी। बताएं, आज कलेक्टर कार्यालय आप किसी ज्ञापन को लेकर आए थे, क्या है पूरा मामला? हम इससे पहले भी आए थे, एमजीजीएस के परियोजना जो प्रशासन गवर्नमेंट ने जो चलाई थी उसके तहत आए थे, जिसमें हमें हमारा 29 माह का वेतन नहीं दिया गया है। आज हमने एमजीजीएस के बैनर तले यहाँ पर देवास में धरना प्रदर्शन कर रैली निकाली और हमारे कलेक्टर महोदय को शिवराज सिंह चौहान के नाम से ज्ञापन दिया है। और आज मैं पूछना चाहता हूँ कि विधायक मंत्री या कोई भी हो, जिनको जो कार्य करते हैं उनको उनका मानदेय नहीं दिया जाएगा तो वो कैसे काम करेंगे? उसी प्रकार हम भी इतने 29 महीने से कार्य कर रहे हैं लेकिन हमको आज तक कोई मानदेय नहीं मिला है, और हम 2 से 3 बार यहाँ पर ज्ञापन दे चुके हैं। यहाँ आज हल्ला बोला है, आने वाले समय में हम भोपाल तक जाएंगे और इसका एक निश्चित बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। और मैं सरकार से यही आग्रह करना चाहता हूं कि हमारा 29 माह का मानदेय जितनी जल्दी हो सके देने का प्रयास करें, अन्यथा हम इसका बहुत बड़ा आने वाले इलेक्शन चुनाव में आपको परिणाम देखने को मिलेगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आपका नाम क्या? मेरा नाम नीरज ठाकुर है, टॉक खुर्द से, ग्राम पंचायत गोरवा से कार्यरत हूँ मैं। अभी के लिए इतना ही, लगातार खबरों के लिए बने रहिए IBN 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।